हेलो, तो मैं आ जाई हूँ आयरन हिल्स में। पता नहीं, मैंने वो बैंगलोर की वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि स्टिल आयरन हिल्स इज द बिगेस्ट वन, ये वो। तो मैंने सोचा क्यों ना जाके एक बार देखा जाए। वेटिंग टाइम ज़्यादा नहीं था, बस कितना था, 5-7 मिनट का था, इससे ज़्यादा नहीं था। मेरे को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, मैंने सबसे पहले जाते ही कुछ खाने का ऑर्डर किया। तो ये मेरे स्टार्टर्स, और यहाँ पे ना मल्टी फ्लेवर्ड में बियर मिलती है। ये मैंने सबसे पहले मंगाई थी पाइनएप्पल फ्लेवर, जो कि बहुत टेस्टी थी। मैं पूरे इसका ओवरव्यू दिखाती हूँ आपको, कैसा है, थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, बाकी नाइट व्यू भी तो दिखाना है तुम लोगों को, सो कम विद मी। ये मेरे को यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट लगा। यहाँ पे क्या है ना कि आप अपने शूज चप्पल उतार के अपने बैठ सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। ये नहीं, आप खाना नहीं रख सकते, साइड में खाना भी रख सकते हो, तो आराम से बैठो, खाओ, इंजॉय करो। यहाँ पे भी फोटो सेशन करा सकते हो आप ऐसे बैठ के, मैंने कराया है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख लेना। अभी मैं ये आउटर वाला अप फ्लोर दिखा रही हूँ, फिर इनर वाला अप फ्लोर भी दिखाती हूँ, कम विद में। मैं आई थी ना यहाँ पे, बिल्कुल भी क्राउड नहीं था, क्योंकि मेरे को सीट ऊपर ही मिली थी, फिर मैंने नीचे ली। अभी देख सकते हो कितना ज्यादा क्राउड आ गया है सिर्फ 1 घंटे में। मैंने बहुत सारे फोटो क्लिक कराए हैं, जितने भी आपको देखने हैं ना, आ जाना और मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करना। ओके इनसाइड व्यू लेने। टन 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 टन। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। अच्छा ठीक है यार, ये सारे फ्रेश बियर के वे लग रहे हैं टैंक। वो तो यार डिजाइनर की कहनी पड़ेगी, ये इतने काट के ये लगा के बना दिया। मैं 3 दिन देख के पागल हो रही हूँ, बना के दिया, बाकी बढ़िया है, पर जब भूकंप कंप आ गया किसी के सर में लाग के फूट सका है वो। तो इनसाइड का आपको दिखाती हूँ कैसा बना हुआ है। वो आउटसाइड का था जो अभी मैंने दिखाया, अभी मैं आपको इनसाइड का दिखाती हूँ। किसी की कसर थी या बाइक और खड़ी कर दिया टेबल वाली, और सब कुछ दे दिया ही नहीं, इसकी कसर थी या और खड़ी कर दी, पूरे हो गए। ये मेरा ना क्यों लटक रहा है, मेरे समझ में ना आई। और वो दूर वाला तो एक लटक लटक रहा है, वो एक के पास लटक रहा है, और ये अपना चलना ही पैक है। तो ओवरऑल फन से हट के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा डेकोरेटिव किया हुआ था। इतनी बड़ी बिल्डिंग और उसमें सेंटर में आप इतनी बड़ी डेकोरेशन कर रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा प्यारी भी लग रही थी। तो ओवरऑल अगर आप आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सेटिंग भी बहुत ही ज्यादा है। यार यहाँ पे एम्बियंस इतना अच्छा है, मैं शूज निकाले बिना रह ही नहीं पाई। अब मैं पानी में बैठी हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। अभी आ गया घर जाने का टाइम, उससे पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ। ओवरऑल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैंने आपको दोनों व्यू दिखाए डे एंड नाइट, मुझे तो दोनों अच्छे लगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। मिलते हैं बाय बाय एक नेक्स्ट वीडियो में।